अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल जस्ट अ टेस्ट व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी भांजी आई हुई है और मैं इसे आज बनवाने लगी हूँ फ़िश फ्राई। और उसके लिए ये लहसुन कूट रही है। कितना लहसुन? तो व्यूअर्स, ये 5 से 6 अदद लहसुन के जवे थे जो इसने अच्छे से कूट लिए हैं। ये हमने ली है फ़िश, और ये 2 किलो के जितनी फ़िश है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें शायद वो एक क्या होता है, एक कांटा है इसमें। ये बहुत अच्छी वाली, बड़ी अच्छी ब्रांड की समझ लें, ये अच्छी ब्रांड की फ़िश है। ये है फ़िश मसाला और ये शान का है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, हमने शान का लिया है, उसका टेस्ट सबसे अच्छा है। आप अगर ये नहीं डालना चाहे तो अपने कोई सा भी ब्रांड का आप इस्तेमाल करते हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है विनीगर, और ये 6 से 7 टेबलस्पून मैंने विनीगर लिया है 2 kg फ़िश के लिए। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी फ़िश कम है तो आप इसको कम कर सकते हैं। लेमन जूस है 5 टेबलस्पून, आप ये भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सुरम, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम स्पाइसी खाते हैं इसलिए हमने दोनों चीज़ें ज़्यादा ली हैं। स्पून जो हमने लहसुन को कुटा था, अब इसमें हम चीज़ें शामिल कर रहे हैं। इसमें लेमन जूस डाला है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे विनीगर। इसमें हम डाल रहे हैं फिश मसाला। अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे, कर लेंगे। डाल रहे हैं सुरख मिर्च पिसी हुई। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम स्पाइसी खाते हैं, इसलिए हम इसमें सारी चीज़ें स्पाइस के हिसाब से ज़्यादा डाल रहे हैं। आप अगर कम खाना चाहो तो आप कम कर सकते हैं। मसाला मिक्स कर लिया है, अब हम फिश को मसाला लगाएंगे। हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी दिया करें, और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूं, तो उसका रीज़न भी आपको पता था, तो मेरे बेटे की बरसी थी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? मेरी भांजी की रेसिपी है ये, मेरी नहीं, क्योंकि मैं फ़िश खाती भी नहीं और बनाती भी नहीं, तो ये वो ही बना रही है। मैं सिर्फ इसकी आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, जब आप इसको फ्राई करने लगें तो इसमें एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ऑयल जो है वो गर्म होता है, तो आप थोड़ा सा अपना हाथ पीछे रख के तो फिर आप इसको फ्राई, क्योंकि ये फ़िश है तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर पानी भी शामिल होता है, मसाले लगाए होते हैं, लेमन जूस वगैरह होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इस तरह से इसको डालें इसमें कढ़ाई, और ये इसलिए आप अपना हाथ पीछे रखें। ये देखें आप इसको किस तरह से फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, तो ये फ़िश है तो आपने इसको शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये जल्दी से बिल्कुल कलर पकड़ लेती है। ये देखिए,